नमस्कार, यदि आपके बैंक खाता है और आपके एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो आप किस प्रकार से फोन पे गूगल पे का इस्तेमाल करके किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, पैसा लेन देन कर सकते हैं, साथ में मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने ऐसा बहुत सारे बैंकों को अलाउ कर दिया है कि आप अपना बैंक खाते को फोन पे गूगल पे के माध्यम से लिंक करा के किसी को भी पैसा भेज सकते हैं एंड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, वो बैंकों का लिस्ट एंड बैंकों का नाम हम आपको यहाँ पे नीचे बता देंगे, साथ में आपको हम करके भी दिखाते हैं लाइव किस प्रकार से बैंक खाते को फोन पे गूगल पे के साथ लिंक किया जाता है। पहले का नियम था सिर्फ आप भीम पे के माध्यम से ही बैंक खाते को लिंक करा सकते थे, लेकिन अभी फोन पे के माध्यम से भी ये सिस्टम कर दिया गया है। फोन पे के माध्यम से भी आप अपना बैंक खाते को लिंक करा सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पैसा लेन देन करने का काम कर सकते हैं। बैंक खाते को फोन पे के साथ जुड़ने के लिए क्या चीजों का जरूरत पड़ता है? सबसे पहले आपके आधार कार्ड होना चाहिए, जिस आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर लिंक होना बिल्कुल जरूरी है। और जिस बैंक खाते को आप फोन पे के साथ लिंक कराएंगे उस बैंक खाते में भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बिल्कुल जरूरी है। यदि आपके बैंक खाते के साथ दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है और आपके आधार कार्ड के साथ दूसरा मोबाइल नंबर लिंक है तो भी आप बहुत ही आसानी में फोन पे के साथ बैंक खाते को लिंक कर सकते हैं। अभी तक ऐसा बहुत सारे बैंक है जो फोन पे के साथ आप अपना बैंक खाते को लिंक नहीं करा पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सभी बैंकों को अपडेट किया जाता है कि आप अपना फोन पे के साथ बैंक खाते को जुड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ बैंकों का नाम बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपना बैंक खाते को फोन पे के साथ लिंक कर सकते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना फोन पे को लॉगिन कर लिया है, आपको भी अपना फोन पे को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा। यदि आपका पहले से बैंक अकाउंट ऐड नहीं रहेगा तो आपके सामने कुछ दूसरा आएगा, लेकिन चेक बैलेंस का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पर दबाना होगा, अदरवाइज सबसे ऊपर आपको अपना ऐड एड्रेस का ऑप्शन शो हो रहा है, वहाँ पे एक लोगो शो हो जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यदि मौजूदगी में आपका पहले से बैंक ऐड किया हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट सेट होने का बैंक अकाउंट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको साइड करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा, आपके सामने जो भी डिस्प्ले में बैंक आ रहा है आप वो सारे बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सर्च वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप अपना पसंदीदा बैंक को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना यूको बैंक सर्च कर लेता हूँ और यूको बैंक के ऊपर थोड़ा सा फाइंडिंग अकाउंट लिंक करने के लिए यहाँ पे सर्च किया जाएगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा। मैं यहाँ पे रिसेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड का डिटेल्स मांगा जाता है, तो मेरे पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे नीचे ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन शो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ बैंक खाते को सर्च किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर का फर्स्ट 6 डिजिट अक्षर डालना होगा और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा, यहाँ पे फर्स्ट 6 डिजिट आधार ओटीपी मांगा जाता है, तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आते हैं वो ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। आपको कुछ देर इंतजार करना है, अगर नहीं होता है तो आपको इंतजार करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ओटीपी फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड आपके बैंक खाते में जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा वो बैंक अकाउंट में एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, अदरवाइज आपको ओटीपी फिल करना होगा। उसके बाद आपको 4 डिजिट UPI पिन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने पसंदीदा कोई भी 4 डिजिट पिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको कॉन्फर्म 4 डिजिट UPI पिन मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फर्म 4 डिजिट पिन आपको डाल लेना है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है और कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा, UPI पिन रिसेट सक्सेसफुल हो चुका है हमारा, और यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। यदि आप अपना बैंक खाते को चेक करना चाहते हैं तो आप अपना बैंक खाते को चेक कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट को लाइव चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पिन पासवर्ड डालने के बाद जैसे एग्री किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस अभी 0.02 पैसा है, हमारे बैंक अकाउंट खाली है। तो आप यहाँ पे अपना बैंक खाते को लिंक करा के बैंक खाते को चेक कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं एंड कोई भी अदर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से अपना कोई भी बैंक खाते को फोन पे के साथ लिंक कर सकते हैं और यही UPI ID को आप गूगल पे, पेटीएम कहीं पे भी इस्तेमाल करके लिंक करा सकते हैं बहुत ही आसानी में।